हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी और आज है गणतंत्र दिवस, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं साथ ही साथ आप सभी को वसंत पंचमी सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज, और ये आपके आगामी CGPSC जो आपका होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं CGPSC। साथ ही साथ यदि हम बात करें CG व्यापम द्वारा आयोजित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में छत्तीसगढ़ पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और CGPSC के अंतर्गत यदि हम देखें ABEO, तो ABEO पेपर 1 में भी ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा क्या गया है, आप लोग पॉज कर लीजिए और अपने आंसर अपने मन में सोचिए और उसके बाद में चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर आपका, कि आपने जो सोचा है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया है बुनियादी इकाई, ठीक है, बेसिक यूनिट के बारे में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की जो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है, वो है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। पूछा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। क्या बोला गया है? कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो क्या चीज प्रस्तुत नहीं किया जाता है? वार्षिक लेखा विवरण, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, या पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, या वार्षिक आय व्यय, या पंचायत के कार्यों का विवरण। तो यदि देखिए पहली बात, हम ग्राम सभा की बैठकों की यदि हम बात करें तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो उस ग्राम पंचायत के जो भी नागरिक है तो वो वही क्या बन जाते हैं? वही ग्राम सभा के सदस्य हैं, यानी कि नागरिक ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनका। और वो कौन से नागरिक? जिस किसी का भी मतदाता सूची में जिसका नाम होता है तो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब जब उसकी बैठक हो रही है, ठीक है, तो बैठक में क्या किया जाता है कि आपने साल भर क्या किया, तो साल भर क्या किया यानी कि वार्षिक लेखा विवरण वहां पे पूरा प्रस्तुत किया जाता है सबके समक्ष में। साथ ही साथ उस वहां पे अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। ये जो ऑडिटिंग का काम होता है ना, तो वो वहां पे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कितनी आय और व्यय, यानी कि कितना पैसा था आपके पास में, कितना है, आपने कितना खर्च कर दिया, तो वार्षिक आय व्यय का विवरण भी वहां पे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब सब कुछ हो रहा है तो कार्यों का विवरण तो देंगे ही कि हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो ये सभी बातें बैठक में प्रस्तुत की जाती हैं। लेकिन एक जो बात जो प्रस्तुत नहीं की जाती है वो क्या है कि पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो ग्राम सभा की बैठक है। जब ग्राम सभा की बैठक है तो वहां पे पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण क्या करेंगे? वो तो इलेक्शन कमीशन जानेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ये यहाँ पे अचल संपत्ति का विवरण मतदाता सूची में जिनका नाम है वो क्या करेंगे जान करके? उनको नहीं जानना रहता है उन, ये तो स्टेट इलेक्शन का, जब आपने अपना पर्चा भरा होगा तब की बात होती है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि बैठक में कौन सी चीज प्रस्तुत नहीं की जाती, तो पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, तो क्या है बताइए? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है,
सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, या फिर सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अध्यक्षता के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद में हम ऑप्शन पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब बैठक की बात होती है ग्राम सभा के संदर्भ में, जब बैठक की बात होती है तो जिस किसी का भी मतदाता सूची में नाम है वो लोग तो सदस्य हो गए, लेकिन कोई तो अध्यक्षता करेगा ना, तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता सबसे पहली बात आती है कि इसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के द्वारा किया जाता है। जब सरपंच के द्वारा किया जाता है तो बिल्कुल ये तो यही बात बोली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर वन तो होगा ही। ऑप्शन नंबर वन जैसे ही होता है तो सभी में तो ऑप्शन नंबर वन दिया ही गया है, दिया गया है, इसका मतलब कि इसके आधार पर आप इसको एलिमिनेट नहीं करोगे। अब देखो, ये देखो, वन और टू तो सभी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर टू को आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको आप नहीं भी पढ़, देखो कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को बता रही हूँ, है ना। एग्जाम में सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन, उसको समझना है आपको। यहाँ पे देखो, ऑप्शन सब में वन टू दिया है, तो वन टू यदि आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका चल जाएगा। अब आपको क्या पढ़ना है? थ्री फोर फाइव सिक्स, यदि इसमें से आपको पता है तो आपका आंसर बन गया, अदरवाइज वन टू तो बिल्कुल सही ही है, ठीक है। ये गलती से वन दोबारा प्रिंट हो गया, टाइप हो गया। वन टू आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे, यदि हम याद करना चाहें तो याद कर लेते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। और यदि सरपंच नहीं है, अनुपस्थित है, तो कौन करेगा अध्यक्षता? उप सरपंच के द्वारा किया जाता है। अब आपने देखा, आप पॉज करके आप अपने से पढ़िए, जो ये तीन चार पांच और छह ये वाला जो ऑप्शन दिया गया, वो ये बोला गया है यदि सरपंच और उप सरपंच ये दोनों एब्सेंट है, ये दोनों नहीं आए, अनुपस्थित है, तो कौन करेगा अध्यक्षता? तो अब हम देखते हैं कि कौन करेगा अध्यक्षता। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और उसके बाद में हम ऑप्शन में जाएंगे कि कौन सा। देखिए, जब सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित रहते हैं ना, तो क्या किया जाता है कि वहां पे अब चुनना तो है, तो किसको चुना जाएगा? तो जो ग्राम सभा, ग्राम सभा मतलब कि आम जनता, ग्राम सभा मतलब क्या है? आम जनता है, जिस किसी का भी मतदाता सूची में नाम है, तो ये आम जनता है। तो आम जनता के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है? आम जनता में से ही, है ना, उनके बीच से, जो आम जनता है तो उनके बीच से एक जन को चुन लिया जाता है, उनके बीच से, आम जनता के सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है, याद रखिएगा। यदि पंच और यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं आए हैं, दोनों अनुपस्थित हैं ग्राम सभा की बैठक में, तो जो आम जनता होती है वो अपने ही बीच से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे कि लो भैया तुम अध्यक्षता कर दो, याद रखना। अब पढ़ो ऑप्शन, इतनी बात क्लियर है, अब पढ़ो ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया गया है? तीसरे में क्या है कि यदि अनुपस्थित है ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच, जी नहीं, कोई ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच अध्यक्षता नहीं करता, जनता के बीच का कोई सदस्य करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की, कोई ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य, आप यानी कि उम्र के हिसाब से, कुछ उम्र के हिसाब से नहीं होता, आपसी इनमें सहमति बस होनी चाहिए कि हाँ भैया तुम जाओ अध्यक्षता कर दो, ये बात होती है। और उसके बाद में क्या लिखा है? सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि सदस्यों की हमारी इच्छा है, अब उम्र नहीं देखा गया, तुम छोटे हो बड़े हो क्या हो, नहीं, हमारी इच्छा है तुम अध्यक्षता करो, तो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फाइव। यहाँ पे देख लो, महिला पंच, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि महिला पंच करेगी, ठीक है। इसका मतलब कि हमने वन टू तो बिल्कुल सही है, फाइव है, तो फाइव यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करने का तरीका समझना है आप लोगों को, अदरवाइज आंसर तो आप लोग को भी आता होगा, ठीक है। हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में आ जाओ, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ध्यान देना, निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की, ठीक है,
इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है ये, इलेक्टेड है ये, इलेक्ट निर्वाचित मतलब क्या होता है, इलेक्टेड है, और उसमें से वो सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो पहली बात तो स्मॉलेस्ट यूनिट जानने से पहले छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां होती हैं पहले वो जान लेते हैं हम, ठीक है। तो इकाइयों की यदि हम बात करें तो सबसे निचले स्तर पर जो इकाई आती है तो उस इकाई का नाम है ग्राम पंचायत। क्या नाम है? सबसे निचले स्तर की ये इकाई है ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद में कौन सी इकाई आती है, उसके बाद में ग्राम पंचायत के बाद में आती है जैसे ये क्या है, ये गांव के स्तर पर होती है, किसके स्तर पर होती है, गांव के स्तर पर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो क्या आएगा हमारा जनपद पंचायत, जनपद पंचायत यानी कि ये ब्लॉक स्तर पर होता है, किस स्तर पर होगा, ये ब्लॉक स्तर पर होता है। तीसरे स्तर पर क्या आता है तो जिला पंचायत होता है, कौन होता है, जिला पंचायत होता है ये, यानी कि सबसे ऊपर का स्तर है, ठीक है, जिला के स्तर पर। अब यदि हम बात करें कि तो सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ग्राम पंचायत। तहसील नहीं होगा, जमींदार नहीं होगा, तहसील न्यायालय नहीं होगा, जिला पंचायत तो सबसे ऊपर वाली इकाई, सबसे बड़ी इकाई बोलते हैं तो जिला पंचायत होता है, छोटी इकाई बोले हैं इसलिए ग्राम पंचायत आएगा। छोटी इकाई क्या होती है तो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती। ध्यान देना कि ऐसी कौन सी जानकारी है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की जब बैठक होगी तो वार्षिक बैठक में प्रस्तुत क्या चीज नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट, पंचायत प्रतिनिधियों की अचल संपत्ति का विवरण या वार्षिक बजट। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया ये बात, ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, यानी कि यदि आपने पहले या दूसरे में समथिंग हमने ये वाला देखा है, यदि आपने देखा है तो आप आसानी से बता पाएंगे। जो ग्राम पंचायत, पहली बात तो अब यहाँ से एक नया पैटर्न समझो, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पहली बात तो ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, ये बात यहाँ पे क्लियर कर लो, ठीक है। क्या क्या प्रस्तुत करेंगे तो वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेंगे, अपने प्रशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वार्षिक बजट तो प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी, आय व्यय कितना क्या किया, लेकिन वो अचल संपत्ति का कोई विवरण उस बैठक में नहीं देते हैं तो नहीं बोला गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा की जो बैठक हुई है तो किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित करेंगे वो, तो साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक, स्थगित बैठक, या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सी बैठक में होगा, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। तो देखो जो ऑर्डिनरी मीटिंग होती है ना, ऑर्डिनरी मीटिंग के अंतर्गत यदि हम देखें, यानी कि साधारण बैठक के अंतर्गत ये जो है आपके ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाएगा। स्थगित बैठक में याद रखिएगा बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, यदि हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात करेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि स्थगित बैठक में ये चीजें, जो पुरानी चीजें जो पहले से डिसाइडेड है वही केवल स्थगित बैठक में होंगी, अदरवाइज ये बजट पारित करना ये करना ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो साधारण बैठक में बजट को पारित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक्सक्यूज मी प्लीज, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाओ, हमसे बोला गया है कि ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है, अब सही बताना है, ठीक है। प्रत्येक तीन माह में, ध्यान दीजिए, प्रत्येक तीन माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, यानी कि तीन महीने में आओ मिलेंगे तो ठीक है, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। फिर बोला गया प्रत्येक चार माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, यानी कि बोल रहे हैं कि चार महीने में अपन मिलते हैं, ठीक, देखते हैं। फिर बोला गया ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, देखते हैं, यानी कि जितने ग्राम है वहां पे ग्राम सभा की बैठक हो, ऐसा बोला गया। अब बोल रहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत में किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, केवल एक गांव में, यानी कि रिपीटेडली, यानी कि आओ इतने, यानी कि हम मान करके चले तीन महीने के अंतराल में अभी बैठक हुई, फिर उसी गांव में तीन महीने के अंतराल में फिर बैठक होगी, फिर उसी ग्राम में तीन महीने के बाद फिर बैठक हो रही, इस तरीके से
उसी ग्राम में चक्रानुसार बैठकखोरी एक ग्राम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ दिया है क्या। बिल्कुल दिया है, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या करना है, लिखित रूप से। ठीक है, फिर ग्राम सभा में के एक तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ये हमारे पूरे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहली बात और देख लेते हैं कि ग्राम सभा की यदि हम बैठक की बात करते हैं, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में यदि हम बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत की जो ये जो बैठक होती है, यानी कि ग्राम सभा की जब ये बैठक होती है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है। क्या होता है, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। और क्या होता है इसके साथ में, और एक और बात होती है, और वो क्या है कि एक तिहाई से अधिक सदस्य, यानी कि 1/3 से अधिक सदस्य क्या करते हैं, यदि लिखित रूप से अध्यपेक्षा प्रस्तुत करते हैं ना, तो बैठक आयोजित करवा दी जाती है। ठीक है, यानी कि एक तिहाई से अधिक सदस्य यदि लिखित रूप से बोलते हैं कि हमको ग्राम सभा की बैठक चाहिए, तो ग्राम सभा की बैठक आयोजित करवा दी जाती है। आओ देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, यानी कि एक गांव वाली कोई बात ही नहीं होती है। प्रत्येक 4 माह, प्रत्येक 3 माह, नेक्स्ट में आ जाओ, क्या बोला गया है, ग्राम सभा के आधे से अधिक, बिल्कुल नहीं है, आधे से अधिक की बात नहीं होती है, एक तिहाई से अधिक की बात होती है वहां पे। ठीक है, और वो क्या बात होती है, लिखित रूप से वो बोल रहे हैं और तभी आयोजित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 6 जैसे ही हमारा सही होता है तो बाकी जगह तो 6 दिया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कटेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। यदि थर्ड वाला हमें यदि पता भी नहीं है और केवल इतना पता है कि एक तिहाई से अधिक सदस्य होने चाहिए, जो कि रिटर्न में नोटिस दिए, रिटर्न में उन लोग बोले कि हाँ होना चाहिए, तब जाकर के बैठक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा। क्या बोला गया, देखो ध्यान दो कि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो क्या कैसे हल निकालोगे। आओ देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा, फिर बोला ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा, फिर बोला गया सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, फिर ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा, फिर बोला गया है कि ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय में निर्णय लेगी, बताओ क्या होगा। हाँ, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ग्राम यदि मत विभिन्नता आ रही है, यानी कि हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो कैसे हल कैसे निकलेगा, हल भी तो निकालना है ना। हल कैसे निकलता है, संयुक्त बैठक करवा दी जाती, ज्वाइंट मीटिंग करवा दो, ज्वाइंट मीटिंग करवाओ, हल निकाल लो, यानी कि बात नहीं करोगे तो कैसे। आपके घर की बात देख लो ना, घर में सब लोग मुंह फुला करके घूम रहे, होगा क्या समाधान, नहीं, बात कर लो, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो संयुक्त बैठक करवा लो, ज्वाइंट मीटिंग करवा लो, तो इनकी मत विभिन्नता भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे करके याद कर सकते हो आप लोग, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या सही है, आओ देख लेते पूछा क्या गया है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, फिर उसके बाद में बोला गया ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, और ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं कि क्या कहां क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या सही है बोला गया है, एक एक करके हम इसको देखते हैं कि देखो क्या होता है कि जब यदि बैठक की बात हो रही, बैठक से हम यदि देखें तो बैठक से संबंधित ये प्रश्न है, पढ़ने से कि हमें ये तो क्लियर हो गई है। बैठक के संबंध में यदि हम बात करें तो क्या होता है कि बिल्कुल एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, एक से अधिक, यानी कि एक ग्राम पंचायत में क्या केवल एक ही गांव हो, क्या केवल एक ही गांव होगा, क्या नहीं, एक से अधिक गांव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब ये बैठक की बात होती है तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ठीक, बिल्कुल प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम सभा की बैठक हो रही है, फिर ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती, जी नहीं, कोई मुख्यालय में
नहीं होती इनकी बैठक। फिर उसके बाद बोला गया है कि ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की तो बैठक की बात ही नहीं होती, ग्राम सभा की बैठक हो रही है। ग्राम सभा की बैठक होती है जिसमें आम जनता, जिन किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम है वो उसके सदस्य रहते हैं, वो आकर, वो सब लोग आकर के बैठते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक की तो बात ही नहीं होती है, ग्राम सभा की बैठक होती है, वो ग्राम पंचायत की वो बैठक है ही नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, क्या बोला गया, ग्राम पंचायत की, यहाँ पे एक जैसे लिखा है, ग्राम सभा की बैठक, कोई ग्राम सभा की बैठक नहीं। ग्राम सभा की बैठक तो आपके जहाँ पे गांव में हो रही है, गांव में होती है ये। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होती है, मुख्यालय की तो बात ही नहीं होती है। हाँ, लेकिन ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी, ये निर्वाचित इकाई है, ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंतर्गत यदि हम देखें तो निर्वाचित इकाई मानी गई है ये ग्राम पंचायत, तो उसकी बैठक बिल्कुल ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। बिल्कुल सही है, तो यानी कि हमारा 1 सही है, 2 सही है, और क्या 5 सही है। आओ देख लेते हैं, इसमें 4 लिखा है बिल्कुल गलत है, इसमें 1 तो दिया नहीं है तो गलत है, इसमें 5 नहीं दिया है और इसमें 1 भी नहीं है बिल्कुल गलत है, इसमें 1, 2, 5 बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे अपने को यदि ये पता है, ये देखो ये ऑप्शन ऐसे हैं कि इस तरीके से, और ये पीएससी द्वारा पूछा गया है, 2018 का प्रश्न है ये, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा प्री में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2018 का प्रश्न है, 2018 में इसको पूछा गया था। तो याद रखना कि किस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रही हूँ सब पूछे गए हैं एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने ये बात याद कर ली कि एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, और ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है फिर, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक मुख्यालय में होगी, ग्राम सभा की बैठक तो गांव में होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो विषय पर निर्णय कौन करेगा, कौन करता है विषय पर निर्णय, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद होता है तो ग्राम पंचायत निर्णय करेगा, जनपद पंचायत करेगा, या ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन करेगा, या सरपंच करेंगे, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हमने, मैंने आपको इसी तरीके का प्रश्न अभी इससे पहले करवाया हुआ है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, सीजीपीएससी द्वारा ये पूछा गया है। तो संयुक्त बैठक यानी बात नहीं कर रहे हो, कैसे नहीं बात करोगे, आपस में बैठो बात करो, तो बस वैसे ही आपस में बैठो बात करो। ठीक है, तो संयुक्त सम्मेलन, सम्मेलन में ही ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन करवा दो और उसका जो भी मतभेद है उसका हल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए, विधि व्यवसायी होते हुए ठीक किसी और से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है, आप विधि व्यवसायी हो और नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो क्या होगा, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है, पार्षद अपने पद पर बना रहेगा, या पार्षद का विशेषाधिकार है उपयुक्त उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताओ एक पार्षद क्या है, विधि व्यवसायी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है तो फिर, और यदि वो नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होता है, यदि वो उसके विरुद्ध कार्य करता है तो क्या किया जाता है कि टाटा बाय बाय हो जाते हैं ये, टाटा बाय बाय, विरुद्ध कार्य कैसे कर रहे हो तो मतलब कि सदस्य और उसके बाद में आप विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए अब। ठीक है, विधि व्यवसायी आप रहिए आइए। ठीक, तो नगर पालिका परिषद के वो विरुद्ध यदि बात कार्य कर रहे तो पद से टाटा बाय बाय जाओ आप, जहां पे जो फिर काम करना है फिर आप ये पद आप छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है, बताओ नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार किसके पास होता है, महापौर, नगर आयुक्त, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, किसके पास होता है भाई, हाँ किसके पास होगा, सामान्य परिस्थिति ध्यान देना, सामान्य परिस्थिति बोला गया है तो नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः यदि हम देखें तो मुख्यतः किसके पास होता है, तो मुख्यतः नगर आयुक्त के पास में होता है, किसके पास में होता है, नगर आयुक्त के पास में
ये जो है इसका अधिकार होता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? किसके समक्ष लेंगे नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या अनुविभागीय दंडाधिकारी? बताओ किसके समक्ष नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य शपथ लेते हैं। अब यदि हम शपथ की बात करते हैं तो किसके समक्ष ये शपथ लेते हैं? तो ये लेते हैं अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष ये शपथ लेते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में सही क्या है? पदच्युत किया गया है, पदच्युत किया जा रहा है नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को, तो उसके संबंध में ये प्रश्न है। क्या बोला गया है? यह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदयुक्त किया जा सकता है। यह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत चा आएगा, है ना, पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। फिर बोला जा रहा है हमसे परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। परिषद के द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। और ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करें, पदच्युत की बात हो रही है और अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है। आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने आंसर पे डायरेक्टली जाएंगे। तो देखिए, यदि हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत ये है कि 1/6 जो सदस्य होते हैं ना, उनके द्वारा वो हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर रहना चाहिए, ये पहली बात याद रखिएगा कि हस्ताक्षर होना चाहिए। किस कितने के द्वारा? 1/6 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में हस्ताक्षर होने चाहिए, ये पहली बात आती है। दूसरी बात इसमें यदि हम देखें तो क्या होता है कि अब हस्ताक्षर तो हो गए, अब पारित करने की बात हो रही है, है ना, कि अब पारित कैसे करना है, तो स्वीकृति भी तो होनी चाहिए। तो 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत से इसे स्वीकृत किया जाना है। 2/3 का बहुमत होना चाहिए, पहली बात तो हस्ताक्षर 1/6, फिर बहुमत कितने का? 2/3 से स्वीकृत होना चाहिए। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तीसरी बात जो हमें अविश्वास प्रस्ताव और पदच्युत के बारे में ध्यान देना है वो ये होता है कि कुल जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, तो कुल निर्वाचित सदस्यों से आधे से अधिक, कुल निर्वाचित सदस्यों से आधे से अधिक लोगों के द्वारा क्या करना है, आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा, पहली बात क्या, आधे से अधिक द्वारा उपस्थित भी रहे, वो क्या करें, वो उपस्थित भी रहे, साथ ही साथ वो मतदान करें भी, क्या करें, मतदान करें। तो आधे से अधिक करने वाले, मतदान करने वाले कितने होने चाहिए? 2/3 सदस्यों के द्वारा, फिर उसके बाद में उसको पारित करवाया जाता है। अगेन सुनो, अब अविश्वास प्रस्ताव की जब बात उठी ही है तो पदच्युत, अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है, पदच्युत करना है उपाध्यक्ष को, तो पहली बात तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए 1/6 लोगों का, फिर 2/3 के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। स्वीकृत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जितने भी कुल निर्वाचित सदस्यों में से अधिक लोग उपस्थित रहे एवं वो मतदान भी करें, प्रेजेंट भी रहे और वोट भी डालें, वो प्रेजेंट इन वोटिंग की बात हो रही है, और उसके बाद में उसको पारित करवाया जाएगा, 2/3 मतदान के द्वारा उसको पारित करवा दिया जाएगा, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है। ठीक है, अब आ जाओ देख लेते हैं क्या बोला गया है कि यह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है ये बात नहीं बताई गई है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, फिर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, बिल्कुल है, प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं, ये तो कोरम की बात होती, मीटिंग के लिए बात होती 1/10। फिर परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, बिल्कुल स्वीकृत होता है, 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत है, जी नहीं। अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा
और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया है कि जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा वो पारित किया जाना चाहिए, तब जाकर के विश्वास प्रस्ताव स्वीकृत यानी कि पारित माना जाता है। और उसके बाद में जिस किसी के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हो तो वो अपने सीट को वैकेंट कर देता है, यानी कि अब वो टाटा बाय बाय हो चुका है उस सीट से। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या सही है हमारा? हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी था ना, शायद कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी सही है, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी सही है और ऑप्शन नंबर एफ। तो बी डी एफ ढूंढ लेते हैं कहां पर लिखा है। बी डी एफ कहां लिखा है? इसमें नहीं है, इसमें मैंने ये ऑप्शन नंबर डी में बी डी एफ लिखा हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद में आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वो क्या है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही। अब जिला पंचायत के बारे में बोला गया है, इससे पहले नगर पालिका के उपाध्यक्ष के बारे में बात हो रही थी, अब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यह कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए या कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए या उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। फिर उसके बाद में और भी बोला गया है, नहीं अब तो डायरेक्टली दिया गया। इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं और ये व्यापम में पूछा गया है, ये प्रश्न है व्यापम के द्वारा पूछा गया है ये। ठीक है, तो व्यापम पीएससी मतलब लगभग सब कुछ वही ही है। ठीक है, मतलब कि यदि हम देखें तो सिलेबस वाइज देखोगे तो पढ़ना आपको वही है, किसी में किस तरीके से आपको पढ़ना है बस वो चेंज हो जाता है थोड़ा। तो हमसे क्या बोला गया है कि विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जब अविश्वास प्रस्ताव यदि उपाध्यक्ष के खिलाफ आता है तो पहली बात तो ये होती है उपाध्यक्ष के खिलाफ कि 2/3 बहुमत से वो पारित करवा दो। ठीक है, 3/4 से पारित की बात नहीं होती है, 2/3 से पारित की बात होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 3/4 सदस्यों के द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। ये क्या है, ये बहुमत है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए कुल सदस्यों के 2/3, और ये उपस्थित कितने हैं और मतदान करने वाले के 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में यह उपस्थित 2/3 नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया ये। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नहीं की जाती, ये किसके द्वारा किया जाता है, एक शासकीय अधिकारी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, शासकीय अधिकारी के द्वारा। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उपाध्यक्ष के खिलाफ तब जाकर के ये क्या होता है, तब जाकर के ये अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो हमारे क्या सही सही आंसर है, 2, 3 और 6 देख लेते हैं। 2, 3, 6 कहाँ लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है और ये नहीं है। तो 2, 3, 6 बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। और इस तरीके की आपको यदि और भी क्लासेस चाहिए तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और की क्लासेस को इसी तरीके से क्लासेस को फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। और इसी के साथ में हम आज की क्लास को भी एंड करते हैं, और फिर से आप सभी को वसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।